हेलो एवरीवन आई होप आप सब एकदम सेफ हैं एंड ईवन इन दीज अनएक्सपेक्टेड टाइम्स आपकी पढ़ाई एकदम सही चल रही है आज बहुत समय के बाद मुझे यूट्यूब पे वापसी आने का मौका मिला है सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो मेरे माइंड में थी यही थी कि इतने टाइम के बाद यूट्यूब पे आ रहा हूँ तो किस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए एंड इससे बेटर टॉपिक मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि अपकमिंग जो जुलाई ट्वेंटी एग्जाम्स है उनका एक रोड मैप मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्योंकि दिस इज़ द नीड ऑफ दी आर राइट नाउ बिकॉज एग्जाम्स बार बार पोस्टपोन हो रहे हैं मई से जून जून से जुलाई तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन प्लस हमारा स्टडी प्लान थोड़ा सा डेविएट हो जाता है तो हम वहाँ से डिविएट ना हो उस चीज़ के लिए आपके लिए एक रोड मैप लेकर के आए बिकॉज एग्जाम्स इतने पोस्टपोन होने में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैटर करती है वो है डिसिप्लिन एक स्टूडेंट का डिसिप्लिन रहना बड़, बड़ा जरूरी है कि वो अपनी पढ़ाई ऑन ट्रैक रखे एग्जाम्स uh, पोस्टपोन होने की वजह से वो अपना रिविजन प्लान अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करें एंड चीज़ों पर और अच्छी एक होल्ड या ग्रिप बना पाए तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए इस वीडियो के साथ हम आए हैं इस वीडियो में प्राइमरली हम कितनी चीज़ें डिस्कस करेंगे सो so, इस वीडियो में हम तीन पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं पहला पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है वो आपके साथ वो है अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर जुलाई ट्वेंटी एग्जाम्स इस पर मुझे कुछ क्वेरीज स्टूडेंट्स से रिसीव हुई है रीजन बिंग इंस्टीट्यूट का जो रूल है वो ये कि किसी भी अटेम्प्ट में छह महीने पुरानी तक अमेंडमेंट्स पूछी जाती हैं सो विद दैट रूल जो हमारा मे ट्वेंटी में, में अटैम्प्ट होने वाला था उसमें थर्टी अक्टूबर ट्वेंटी तक की अमेंडमेंट्स पूछी जाती हैं सो so, जो क्वेरीज आई वो अभी यही है ये सर क्योंकि अभी दो महीने के लिए हमारा अटैम्प डेफर हो गया तो क्या अब हमें दो महीने की एडिशनल अमेंडमेंट्स करनी होगी तो द आंसर एज ऑफ नाउ इज नो इस, इस इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई या कुछ भी नहीं आया सो विल गो गो बाय द सेम लॉजिक कि जुलाई के लिए आपका 31 अक्टूबर 2019 तक की ही अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं इन केस इंस्टीट्यूट अगर दो महीने के एडिशनल अमेंडमेंट्स बाद में एप्लीकेबल करता है जिसके चांसेस बहुत ही कम है तो अगर इनकेस होता भी है तो अमेंडमेंट्स इतनी ज्यादा नहीं है विद इन एन आवर विल बी एबल टू कवर दैट तो अगर ऐसा कुछ होगा अमेंडमेंट वीडियोस के साथ हम लोग आएंगे बट अभी आप अपनी तैयारी जुलाई के हिसाब से ऐसे ही करिए कि इकतीस अक्टूबर दो तक की ही अमेंडमेंट्स पूछी जाएंगे तो आपको कुछ भी एडिशनल अमेंडमेंट्स के स्टैंड पॉइंट से नहीं करना है सो बी वेरी क्लियर इस चीज में आपको बिल्कुल भी डिविएट uh, होने की या डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है कोई भी एडिशनल अमेंडमेंट्स आप पर एप्लीकेबल नहीं होगी कमिंग डाउन टू द सेकंड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज टेस्ट सीरीज या टेस्ट योर प्रिपरेशन फॉर जुलाई ट्वेंटी एग्जाम्स कि आपकी तैयारी जुलाई बीस अटेम्प्ट के लिए प्रॉपर है एंड आप प्रॉपर ट्रैक पे हैं या नहीं उस चीज के लिए एक छोटी सी टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जैसा कि आपने सर की लास्ट वीडियो में देखा भी होगा तो ये टेस्ट सीरीज के साथ हम लोग आए हैं टेस्ट सीरीज की बात करेंगे बिल्कुल उससे पहले जो तीसरा और आखिरी पॉइंट हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ अदर लॉ के रिविजन के रिगार्डिंग करेंगे तो पहले मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा देन विल टॉक अबाउट द रिवीजन ऑफ अदर लॉज अब टेस्ट सीरीज बनाते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे माइंड में था वो था कि टेस्ट सीरीज कंडक्ट करें कैसे तो टेस्ट सीरीज मैंने इस तरीके से कंडक्ट करने की प्लानिंग करी है कि आपका पूरा सिलेबस थरली रिवाइज हो पाए सो so, टेस्ट सीरीज के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको एक बार जरूर बताऊंगा टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने से पहले दैट इज कोई भी टेस्ट देने से पहले एक जो राय मेरी रहेगी वो ये रहेगी कि इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पूरा सिलेबस एक बार थरली थर्ले, स्पीडिली रिवाइज कर पाए अब सर वो पूरा का पूरा सिलेबस इतनी जल्दी रिवाइज कैसे होगा तो उस चीज में जो पहला सजेशन मेरी तरफ से क्या है कि आप

तो टोटल सेवन टेस्ट हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं हर टेस्ट में आपके दो दो चैप्टर्स कवर किए जाएंगे उसका अभी मैं आपको बताऊंगा बट बत उससे पहले लास्ट ओपिनियन जो इसमें मेरा क्या देने का सबसे बेस्ट वे है एम टी पी आपकी जुलाई ट्वेंटी आ चुकी है विद क्वेश्चन well तो जैसे ही आप टेस्ट दे चुके होंगे आप पूरे सिलेबस का एक कंबाइंड टेस्ट एम के जरिए दे सकते हैं फिर आप एम टी बी करिएगा एंड उसके आंसर्स मैच करिएगा उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा क्योंकि आप पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर चुके हैं उसके टेस्ट दे चुके हैं तो उससे आपकी तैयारी अप टू मार्क रहेगी टेस्ट बनाते वक्त सर हमारा फोकस किस चीज पे रहा तो ये जो सात टेस्ट हमने बनाए इसमें फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन पे हमने रखा है कि पास्ट अटेम्प्ट में जिन एरियाज पे आईसीआई आई का ज्यादा फोकस रहा है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन कई बार ज्यादा पूछे गए हैं उन्हीं को इन टेस्ट में हमने कवर किया है तो अगर आप ये टेस्ट स्मूदली कर पाते हैं श्योर sure आपको मेन एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए एंड जैसा हमारा पेपर पैटर्न है इन टेस्ट का भी पैटर्न हम वैसे ही रखेंगे टेस्ट में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे कुछ एक केस स्टडी बेस्ड एमसी भी मिलेंगे जिससे आपकी पेपर की तैयारी माक करें सर इन सात टेस्ट का स्केडल क्या होगा तो वो स्केड्यूल में आपको शो करने जा रहा हूँ एज यू कैन सी टोटल टेस्ट आर सेवन चैप्टर्स को हमने दो दो चैप्टर्स में फ्रेगमेंट किया जिससे आपके साथ टेस्ट किए जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल में कवर हो जाएंगे सर so, टेस्ट की वेटेज क्या रखी गई है जो कंपनी लॉ के पांच टेस्ट है उनकी वेटेज है थर्टी मार्क्स ईच विच कम्प्राइज टू वन फिफ्टी मार्क्स एंड अदर लॉ के आपके दो, दो टेस्ट है उनकी वेटेज है 25 तो अगर आप ये टेस्ट कंडक्ट कर जाते हैं आप एक बार 200 मार्क्स के लिए पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज दे चुके हैं तो एक बार आप ये 200 मार्क्स के टेस्ट सीरीज दे देंगे उसके बाद अगर आप एम टी पी अटेप करेंगे तो ऑलमोस्ट आपने एक बार तीन पेपर सॉल्व कर लिए आपने मार्क्स के पेपर करके देख लिए जिससे एम एम श्योर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ये स्टेप हमने इसी वजह से लिए क्योंकि हमारे पास दो महीने एक्स्ट्रा है तो क्योंकि हमें दो महीने एक्स्ट्रा मिले हैं तो हम ऑन ट्रैक रहे तो हमारी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए तो उस चीज को ध्यान रखते हुए हम ये टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं उसका सोल्यूशन अगले दिन बाईस मई को शेयर करूंगा मई को अगला टेस्ट होगा ट्वेंटी फोर्थ में एंड सो ऑन ऐसा करते 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 तीन जून तक हमारे सातों टेस्ट विद्यूशन डिस्कस हो चुके होंगे एंड uh, उसके बाद आप अपनी एम कवर करेंगे जिससे आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा तो आपका पूरा सिलेबस पे होल्ड बन जाएगी सर क्या आप इंडिविजुअल टेस्ट को वीडियो या यूट्यूब पे आके अलग से डिस्कस करेंगे आई गेस उसकी नीड नहीं रहने वाली है क्योंकि मैंने सारे टेस्ट के सोल्यूशन वर्ड फॉर्मेट में ही बना दिए हैं तो जैसे ही मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा अगले दिन उसके आंसर्स आ जाएंगे तो आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे उसको चेक कर पाएंगे तो ये एक नई सोच या नई शुरुआत के साथ हम लोग कर रहे हैं क्योंकि दो महीने हमें एक्स्ट्रा मिले आई होप इससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिले एंड uh, मेरी ये सजेशन रहेगी प्लीज आप ये सातों टेस्ट जरूर दीजिएगा उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो पाएगी एंड इसमें क्योंकि एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन है तो अगर बाय चांस वही क्वेश्चंस आपके पेपर में रिपीट हो जाते हैं तो आपको पेपर क्रैक करना बड़ा आसान हो जाएगा सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर दिस टेस्ट एंड आई एम प्रीटी होपफुल आप बहुत अच्छा इन टेस्ट में परफॉर्म करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज द रिविजन ऑफ अदर लॉज पिछली बार जब हमने अपना रिविजन मैराथन शूट किया था दैट वॉज फॉर कंपनी लॉ

देन आप इनको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे चेक करिए जिससे आपकी तैयारी पूरी हो पाए एंड सर so, टेस्ट का रफली ड्यूरेशन कितना रखा है तो हमने हर टेस्ट का ड्यूरेशन रफली रखा है वन आवर वन आवर में आपका कंफर्टेबली वैसे तो फोर्टी फाइव टू फिफ्टी मिनट्स में आपका टेस्ट कंफर्टेबली पूरा होना चाहिए बट अगर आप तीस नंबर का टेस्ट एक घंटे में पूरा करते हैं देन हंड्रेड मार्क्स का पेपर आपका थ्री आवर्स में पूरा हो जाना चाहिए सो विश यू ऑल द लक गाइज आई नो द सिचुएशन इज प्रेटी अनएक्सपेक्टेड बट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में यहाँ हमें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना है गिवन सर्कमस्टांसेस में हमें बेस्ट परफॉर्म करना है ताकि हम बेस्ट रिजल्ट लेकर के आ पाए सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई एम प्रेटी होपफुल ये uh, एक छोटा सा स्टेप आपके लिए बेनिफिशियल जरूर हो सो ऑल बेस्ट गायस टेक केयर बाय